जुम्मे की नमाज के दौरान दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास ही पुलिसकर्मी की यह हरकत कैमरे में दर्ज हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उपनिरीक्षक मस्जिद के नजदीक सड़क पर नमाज अदा कर रहे लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा है और अचानक वह आक्रोशित होकर कुछ नमाजियों को धक्का देना व लात मारना शुरू कर देता है। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक जगह की कमी के कारण कुछ लोग मस्जिद के पास सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। स्थानीय निवासी फराज खान ने बताया कि हर हफ्ते मस्जिद के अंदर नमाज होती है, लेकिन शुक्रवार को कुछ भारी लोग थे जिन्हें नमाज के लिए निर्धारित जगह के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने सड़क पर ही नमाज अदा करना शुरू कर दी थी, लेकिन वहीं अब उसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई के मशहूर समाज सेवक नदीम खान ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। दिल्ली के इंद्रलोक परिसर में जुमे की नमाज के वक्त एक पुलिसकर्मी ने लात मारा और उसके बाद काफ़ी बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिस मामले में अलग अलग तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और उसी में हमारे साथ नदीम खान मौजूद है जो कि इस बारे में क्या कहना चाहते हैं उनसे जानेंगे। नदीम जी, आपने जो वीडियो देखा सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे इस दिल्ली के वीडियो को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराष्ट्र। सबसे पहले हिंदू भाइयों, ये बात ना हिंदू की ना मुसलमान की है, ये बात एक इंसान की है। हम जब इबादत करते हैं तो हमारे अज्जो वजल के सामने नमाज में हूबहू अल्लाह से प्रेयर करते हैं और अल्लाह के सामने हम घबरा के बैठते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जब तुम्हारी नमाज में कोई खलल डाले तो वो शैतान इबलीस, यानी शैतान इबलीस है। वो बेचारा गरीब दिल्ली की जनता जो नमाज पढ़ रही है, रोड पे वो पुलिस वाला लात मारा और हाथ से फेड मारा, क्योंकि हमारे अल्लाह ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हारी नमाज जो तोड़ता है वो शैतान इबलीस है, तो वो पुलिस वाला शैतान इबलीस है। हमारी इबादत जो कौम मोहब्बत सिखाती है, जो कौम शांति रखती है, जो कौम बर्दाश्त कर रही है, तुम उसको लात मार रहे हो? तेरी औकात क्या है बे? हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से तू जीता है, तेरी वो औकात है। अच्छा, हर जगह मुसलमान के साथ अलग ट्रीट किया जा रहा है, हर जगह मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल, वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे का हिंदुत्व का खेल, इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है ना भाई, सलमान अजहरी साहब का जो जेल है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ईमान पे रहेगा तो मुसीबतों का सामना आना रहेगा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नते यूसुफ पर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई उनको गिरफ्तारी करवा के, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में दो तरफा कानून जब चल रहा है ना, तो वो कानून की गलती नहीं है, वो कानून पे प्रेशर है बॉस। हाँ, क्योंकि ऐसे अटले बटले नितेश राणे जैसे लोग आके मुफ्ती साहब को बाबा बोलेंगे जो हमारे मुफ्ती हैं इस्लाम के, मुसलमान कौम को? अरे बटकिया, हे तुला कौन शिकवलं रे? आणि मी न्यूज वर बोलू काय? नदीम खान जो मुमरा में रह करके किस तरीके से दिल्ली की घटना को लेकर अपनी बात रखे और किस तरीके से ये पूरा मामला आगे जा करके रुख मोड़ता है, वो भी एक देखने वाला एक दिलचस्प विषय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैन सैयद के साथ अफजल शेख, न्यूज़ वन इंडिया।